आप लोगों में से बहुत से लोगों ने सवाल किया कि मल्टी वेंडर की वेबसाइट का हम ई-कॉमर्स में किस तरीके से बनाए और कैसे उसको हम मैनेज करें, और क्या हम मल्टी वेंडर की वेबसाइट ई-कॉमर्स में बना सकते हैं और उसको बना के इजीली हैंडल कर सकते हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे कि मल्टी वेंडर किस तरीके से काम करता है, कैसे होता है, कैसे उसको मैनेज किया जाता है, वो कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म है या कौन से ऐसे थीम्स हैं जिस थीम को यूज़ करके हम मल्टी वेंडर की वेबसाइट्स आराम से इजीली बना सकते हैं, चाहे वो ग्रोसरी के लिए हो, चाहे वो टी शर्ट्स के लिए हो या शर्ट क्लॉथ कुछ भी चीज़ जिसके लिए आप बनाना चाह रहे हैं, तो वो कैसे बनाएंगे और उसका मोबाइल व्यू मोबाइल लुक किस तरीके से रहेगा, उसके फीचर्स किस तरीके से काम करेगा, इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हम बताने वाले हैं, जानने वाले हैं या सीखने वाले हैं कि कैसे हम खुद से भी अगर हम बनाना चाहें मल्टी वेंडर की वेबसाइट्स तो हम कैसे बना सकते हैं। क्या ये पॉसिबल है कि आप खुद से मल्टी वेंडर की वेबसाइट बना सकते हैं या नहीं सकते हैं, इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिटेल से जानेंगे और आज हम यूज़ करेंगे मल्टी वेंडर के लिए दुकान प्लगइन का। जी हाँ, दुकान प्लगइन का। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं और ये देखते हैं कि जो थीम हम यूज़ करने वाले हैं वो थीम कौन से हैं और उसके फीचर्स क्या है। जी हाँ, वो थीम आपको ग्रीन मार्ट के नाम से मिल जाएगा। ऑब्वियसली ये जो है फ्रूट्स वगैरह के लिए ऑर्गेनिक शॉप्स के लिए है। इसमें क्या हम दुकान प्लगइन का यूज़ करेंगे, ये दुकान भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा 3 प्लगइन्स और हैं जो कि मल्टी वेंडर में काम आता है, वो भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। बट आज जो हम जानेंगे यहाँ पे दुकान प्लगइन के अकॉर्डिंग कि हम किस तरीके से मल्टी वेंडर बनाएंगे, और इसकी सबसे ख़ास बात ये है कि ये इसका मोबाइल लुक बहुत ज़बरदस्त है। उसका मोबाइल का लुक लाइक आपको मोबाइल एप्लीकेशन जैसा दिखेगा। यहाँ पे देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा मोबाइल लुक है। ये होम पेज है और ये आपका प्रोडक्ट पेज है। यहाँ पे क्या ई-कॉमर्स की जो फीचर्स हैं, इस फीचर्स के बारे में आप हम देखते हैं इसके फीचर्स के मेन से फीचर्स कौन कौन सी हैं। ये क्या फुल्ली रिस्पॉन्सिव है और इसमें लेफ्ट एंड राइट दोनों लैंग्वेज सपोर्ट करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप अरबिक या फिर उर्दू यूज़ करना चाहें, हिंदी इंग्लिश कुछ भी यूज़ करना चाहें, चाहे वो लैंग्वेज लेफ्ट में हो या राइट में हो, दोनों चीज़ें काम करता है। और ख़ास बात यह है कि इसमें आपको वन क्लिक डेमो इंस्टॉलेशन है, आपको कोई ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप वन क्लिक पे क्लिक करें और आपका पूरे डेमो इंस्टॉलेशन हो जाएगा। यानी आप यूँ चाहें कि इस तरह के अगर आप लुक लाइक बनाना चाहें तो आपको वन क्लिक डेमो के इंस्टॉलेशन से भी आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा कई इसके अंदर बहुत सारे अच्छे अच्छे फीचर्स हैं। आप इसको कस्टमाइज अगर आराम से इजीली कर सकते हैं। SEO फ्रेंडली है और ड्रैग ड्रॉप बिल्डर भी हैं जो WP बैकरी के नाम से हम जानते हैं। इसका जो मेन फीचर्स हैं, आइए हम उन मेन फीचर्स के बारे में देखते हैं जो कोर फीचर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। जी हाँ, यहाँ पे वो सारे कोर फीचर्स हैं जिसमें आपको जो मिलेगा वन क्लिक डेटा इंपोर्ट का भी ऑप्शन रहेगा, इसमें कैटलॉग का भी ऑप्शन है, इस तरह से कि मिनी कार्ट है, मिनी कार्ट आप यहां से देख सकते हैं। ये ऑप्शन इसको हम मिनी कार्ट के नाम से जानते हैं जो ऊपर टॉप पे हैं। इसके अलावा कि डिज़ाइन जो है आप मोबाइल का डिज़ाइन ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, दो तरह से कर सकते हैं मोबाइल का डिज़ाइन, एक स्मार्ट मोबाइल मेन्यू और दूसरा है ट्री व्यू मोबाइल मेन्यू। स्मार्ट मोबाइल मेन्यू का क्या मतलब होता है और ट्री व्यू का क्या मतलब होता है, आइए हम इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। यहाँ पे अगर आप इसको मोबाइल का लुक देंगे तो ये आपका इस तरीके से आएगा कि इसमें दो तरह का मेन्यू होगा। ये देखिए यहाँ पे दो तरह के मेन्यू दिख रहा है, एक मेन्यू के यहाँ पे जैसे अबाउट अस कॉन्टैक्ट अस इस तरह के पेजेस होंगे, दूसरा यहाँ पे आपके कैटेगरी के पेजेस होंगे। ठीक है, ये आपके कैटेगरी के पेजेस होंगे तो इसको हम बोलते हैं स्मार्ट मेन्यू। और दूसरा ट्रीव्यू का मतलब ये होता है कि ये सिर्फ इसी पे आए, पूरा इसी का फर्स्ट ही पाए, इसमें डबल कैटेगरी ना रहे। ठीक है, तो ये दोनों सूरतें इसमें अवेलेबल हैं, आपको जो इच्छा लगता है, जो चीज़ें का आपको पसंद है वही चीज़ आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मेगा मेन्यू का ऑप्शन है, वर्टिकल मेन्यू है, 4 टैब आप चाहे अगर 4 टैब में अगर प्रोडक्ट दिखाना चाहें वो दिखा सकते हैं। इंस्टाग्राम एलिमेंटर भी ऑलरेडी अवेलेबल है। स्लाइड रेवोल्यूशन मतलब अगर आप स्लाइड बनाना चाह रहे हैं या अपने स्लाइड दिखाना चाह रहे हैं किसमें होम पेज में, तो वो स्लाइड रेवोल्यूशन के थ्रू आपके स्लाइड भी
बना सकते हैं, दिखा सकते हैं। डब्ल्यूपी बेकरी से आप इजीली इसको डिजाइन कस्टमाइज डिजाइन कर सकते हैं, प्रोडक्ट का क्विक व्यू कर सकते हैं। सर्च प्रोडक्ट इजेक्ट सर्च प्रोडक्ट है। इजेक्ट सर्च प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है? इजेक्ट सर्च प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी आप 2 से 3 वर्ड सर्च करेंगे तो उससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट है वो रिलेटेड प्रोडक्ट वो ला के रख देगा आपके पास, ठीक है। इसको हम इजेक्ट सर्च बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा मेलशिप है कि अगर आपका नोटिफिकेशन किसी कस्टमर को भेजना हो तो वो आप भेज सकते हैं बिल्कुल ईजिली मेलशिप के द्वारा। इस तरह एजेक्स शॉपिंग कार्ड भी है। प्रोडक्ट लिस्ट में फुल्ली रिस्पॉन्सिव है। फुल्ली रिस्पॉन्सिव का मतलब ये होता है कि आप इसको चाहे मोबाइल में देखें या फिर आप टैब में देखें या फिर आप लैपटॉप डेस्कटॉप में देखें, जिस पे भी आप देखेंगे उसके आकार का ये ढल जाएगा, ठीक है। तो इसको हम फुल्ली रिस्पॉन्सिव के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें SEO का काम क्या और सोशल लिंक्स वगैरह बहुत सारी हैं। तो आइए हम प्रैक्टिकल देखते हैं कि क्या ये चीज हमें कर सकते हैं, और अगर हम कर सकते हैं तो कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे। जी हाँ, तो आइए हम प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। और इसके लिए आपको जो रिक्वायरमेंट होगा, एक डोमेन की और एक होस्टिंग की, यानी अगर आप ये वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं मल्टी वेंडर की वेबसाइट दुकान प्लगइन के थ्रू आप अगर डिजाइन करना चाह रहे हैं या डेवलप करना चाह रहे हैं तो इसके लिए आपको 2 चीजों की रिक्वायरमेंट हो सकती है। एक वो डोमेन के नाम से जानते हैं। डोमेन होता क्या है? डोमेन इज द नेम ऑफ द वेबसाइट। वेबसाइट का जो नाम होता है उसको हम डोमेन के नाम से जानते हैं। और जो होस्टिंग क्या होता है? होस्टिंग स्टोरेज ऑफ द डेटा, मतलब डेटा के जो स्टोरेज करने की जो जगह होती है उसको हम होस्टिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आइए हम इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। इसके लिए हमें डोमेन और होस्टिंग की जरूरत है। तो हमारे पास ऑलरेडी एक डोमेन है जो capitaltechnology.co.in के नाम से है। मैं इसी का cPanel में ओपन कर लेता हूँ, और cPanel ओपन करके मैं इसमें प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ आपको कि किस तरीके से हम मल्टी वेंडर की वेबसाइट विद इन 20 मिनट 30 मिनट्स के अंदर अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, विद इन 20 और 30 मिनट्स में कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ और मैं इसमें एक डायरेक्टिव बनाऊंगा। डायरेक्टिव बना के इसमें मैं काम करने वाला हूँ डायरेक्टिव के थ्रू, ताकि हमें आसानी हो, ईजी हो इसे समझने में और आपको समझाने में, ठीक है। यहाँ पे मैंने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया, और वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ग्रीनमार्ट मल्टीवेंडर स्लैश मल्टीवेंडर, ये भी हम लिख सकते हैं, या फिर हम यूं कर सकते हैं कि हम इसका नाम ही डाल दें डेमो दुकान मल्टी वेंडर, ठीक है, दुकान वेंडर ये भी कर सकते हैं। मैंने डायरेक्टरी बना दिया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दुकान। आप अपने हिसाब से आपका साइट का नाम लिखें, जो भी आपका साइट का नाम हो वो साइट का नाम लिखें, ठीक है। यहाँ पे एक टैग डाल दीजिए, ऑनलाइन सुपरमार्केट, कुछ भी आप टैग लिखें जो आपको का आसान हो, आपके लिए के बेटर हो, वो चीज़ आप टैग लाइन डाल दीजिए। यहाँ पे एक मेरे पास यहाँ पे एक नॉर्मली का एक वो है ऐप, इसमें एडमिन डालना है, एडमिन का यूज़र आईडी एंड पासवर्ड। तो मैं इसमें एडमिन का यूज़र आईडी पासवर्ड यहाँ पे डाल देता हूँ, और ये हमारा एडमिन का यूज़र आईडी पासवर्ड हो गया। यहाँ पे आप अगर इसको देखना चाहें, क्योंकि मैं आपको डेमो पर्पस के लिए बना के दिखाना चाह रहा हूँ, अगर आप देखना चाहें तो आप देख भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद ये क्लासिकल एडिटर आप इसको इनेबल कर लें, उसके बाद आप इनमें से किसी चीज़ को आप इनेबल कर सकते हैं, लेकिन इसकी कोई खास ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसको इंस्टॉल पर क्लिक कर देता हूँ। इंस्टॉल पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक मिनट 1.5 मिनट के अंदर अंदर ये चीज़ें इंस्टॉल हो जाएंगे। ये देखो बिल्कुल क्विकली ये इंस्टॉल हो गया है। अभी हमारे पास वर्डप्रेस की एक थीम है, वो थीम इंस्टॉल हो चुका है। अगर आप इसको देखना चाहें तो आप इसको ईजिली देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें ये देख सकते हैं कितना वो अभी ये जो है सिर्फ सैम्पल हुआ है। तो ये जो फालतू की चीज़ें ये सब चीज़ें इसको हम क्या करते हैं हटा देते हैं, क्योंकि ये चीज़ें सही नहीं है। इसके लिए आप क्या करें कि यहाँ पे एडमिन पे लॉगिन हो जाइए। एडमिन पे लॉगिन होने के लिए आप यहाँ से भी लॉगिन हो सकते हैं, एडमिन करके लॉगिन हो सकते हैं डायरेक्ट, या फिर आप अपने यहाँ पे इसको क्लिक करके भी लॉगिन हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आगे आ चुका हूँ। सबसे पहले आप जो यहाँ कचरा चीज़ें पड़ी हुई अनवांटेड चीज़ें हैं, पहले हम उसको हटा लेते हैं। हटाने के बाद इसको फिर काम हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये हमने इसको हटा दिया पेज को, उसके बाद हम यहाँ पे हटा देते हैं पोस्ट सैम्पल पोस्ट। इसके बाद का हमें करना है अपीयरेंस विजिट्स,
और इसके बाद के जो ऑप्शन है वो आपको प्लगइन्स के अंदर करना है, ठीक है। ये कुछ अनवांटेड प्लगइन्स है जो आपको नहीं चाहिए, फिर भी वो वर्डप्रेस जो है ऑटोमेटिकली उसमें इंस्टॉल कर देता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें हटाना है, और हटा के हमें इसे बिल्कुल नीट एंड क्लीन बना देना है, ठीक। जैसे ये देखो मैंने कहा, अब ये चीज़ें मैं इसको भी हटा देता हूँ, अब ये देखेंगे बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है, बिल्कुल इसके अंदर कोई चीज़ नहीं है, देखिए बिल्कुल एकदम फ्रेश है, ठीक। तो इस तरह से आप फ्रेश वर्डप्रेस आप इसको इंस्टॉल कर लिए। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका दो स्टेप करना है। दो स्टेप में क्या क्या चीज़ें आएंगी, एक चीज़ आपके आती है थीम इंस्टॉलेशन, दूसरी चीजें होती है थीम के बाद प्लगइन इंस्टॉलेशन, तीसरी चीज करने वाले हैं, जी हाँ, ठीक है। तीन काम करने के बाद सेम एज इट इस तरह का आपको वेबसाइट मिल जाएगा। सबसे पहले चलते हैं कि हम इसको थीम इंस्टॉल करते हैं। आपको थीम इंस्टॉल करने के लिए क्या आपको थीम पे आना पड़ेगा, उसके बाद के यहाँ पे के जो अनवांटेड चीज़ है मैं हटा देता हूँ। ये अनवांटेड थीम है, आप सिर्फ वही थीम रखें जो आपके काम के लिए हो, आपके काम के लिए यूजेबल हो, और बाकी की चीज़ें आप यहाँ से रिमूव कर दें तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो इसमें क्या, हम अगर आपको थीम चाहिए, थीम बाय करना है, तो आप क्या नाम है थीम बाय कर सकते हैं। यहाँ पे ग्रीन मार्ट का, ग्रीन मार्ट इवेंटो मार्केट से आप अपना थीम बाय करके आप अभी आप खुद से चाहें तो आप भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम हो आपको तो आप हमसे कांटेक्ट करके चीज़ें मैनेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम थीम इंस्टॉल करते हैं, और इंस्टॉल करके हम बनाने की कोशिश करते हैं सेम एज इट इज, उसी तरीके जिस तरह से मैंने आपको सैंपल में दिखाया है। चूज फाइल पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद हम अपना इस थीम डालेंगे, ये हमारे पास थीम है, उसके बाद इंस्टॉल पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद हम इसको करेंगे एक्टिव, इसके बाद का सबसे पहला काम जो होता है हमें प्लगइन इंस्टॉल करना होता है। प्लगइन इंस्टॉल करने का यहाँ पर आप वन बाय वन भी कर सकते हैं, या एक साथ चाहें तो आप एक साथ भी इसको कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये सारे प्लगइन इंस्टॉल हो चुका है। अब हम इसको क्या करते हैं, एक्टिव कर लेते हैं। एक्टिव करने का भी वही सेम फॉर्मूला है कि आप इसको सबका एक साथ एक्टिव क्लिक करें, सिलेक्ट कर लें, उसके बाद इसको एक्टिव कर लें। इसके बाद का जो प्रोसेस होता है यहाँ पर अगर देखेंगे तो आपके साइट का लुक एंड फील थोड़ा चेंज हो चुका है, लेकिन इसके बाद का जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस ये है कि आप डेमो इम्पोर्ट करें। जी हाँ, आप इसमें डेमो इंपोर्ट करेंगे, तो डेमो इंपोर्ट करने के लिए सिंपल सा ऑप्शन है कि आप इसमें क्लिक करें डेमो के अंदर, और डेमो के अंदर क्लिक करके आप इस चीज़ों को बिल्कुल इजीली आप इसमें हैंडलिंग करना चाहें बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखें इसका लुक एंड फील भी थोड़ा चेंज हो चुका है, वेबसाइट का लुक एंड फील भी चेंज हो चुका है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इसके डेमो की तरफ, और चेक करते हैं कि डेमो किस तरह से काम करेगा नहीं करेगा। ये तो यहाँ पे सबसे पहले जो आ रहा है यहाँ पे ये ई कॉमर्स की सेटअप करने के लिए कह रहा है, तो मैं ई कॉमर्स का सेटअप कर देता हूँ। इससे क्या होगा कि ई कॉमर्स प्लगइन अगर हम सेटअप कर लेंगे तो आसानी होगी कि एक आप जो भी साइट रन करना चाह रहे हैं, जहाँ से भी रन करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए बेटर होगा कि वो उसी लोकेशन पे ओपन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप चाहें तो इसको बाद में भी करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकल ए टू जेड सारी चीज़ें बता रहा हूँ मुझे स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप इसको फॉलो करके खुद से आप बनाना चाहें आप बिल्कुल ईजिली बना सकते हैं। यहाँ पे आप एग्जैक्ट वही डालिए जो आपके दुकान का लोकेशन है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या अभी डाल देता हूँ कि मैं आपको सैम्पल के तौर पर दिखा रहा हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, यहाँ पे अपना कंट्री इंडिया, यहाँ पे न्यू दिल्ली, यहाँ पे अपना पिन कोड, उसके बाद इसको हम करेंगे सेलेक्ट, देन नेक्स्ट, इसका ऑप्शन आ जाएगा कि आप किस तरह की चीज़ें करना चाह रहे हैं। अगर आपको फैशन का करना हो, हेल्थ का भी करना हो, आर्ट का, म्यूजिक का, इलेक्ट्रॉनिक, फूड एंड डिलीवरी, जो भी आप इसमें करना चाह रहे हैं, उस पर किसी पार्टिकुलर चीज़ों को अगर प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हैं तो आप उन चीज़ों का, इसके अलावा भी कोई चीज़ है तो आप वो भी चीज़ें ले सकते हैं। उसके बाद कर लेना कंटिन्यू, देन यहाँ पे अगर ये आप डाउनलोडेबल प्रोडक्ट रखना चाहते हैं तो डाउनलोडेबल रखें, या फिर फिजिकल रखना तो फिजिकली रखिए, ठीक है। अगर बंडल भी रखना चाह रहे हैं तो आप बंडल भी रख सकते हैं। कितने प्रोडक्ट हैं, अगर आप कहीं दूसरे कहीं इसके ई-कॉमर्स के अलावा कहीं अगर सेल करना चाह रहे हैं तो वो चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन कर दें, ठीक है। अगर नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं है,
यहाँ पे फिर कंटिन्यू पे क्लिक करें, इसको स्किप कर देता हूँ, इसके फिलहाल कोई ज़रूरत नहीं, ये हम बाद में भी कर सकते हैं। ये होता है आपका ई-कॉमर्स में ट्रैफिक की चेकअप करने के लिए। इसके बाद का जो ऑप्शन होता है कि हमें क्या करना है, डैमो इंपोर्ट करना है, सेम उसी तरीके जिस तरह से मैंने आपको सैम्पल में दिखाया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डैमो इंपोर्ट करने के लिए आ जाता हूँ, और डैमो इंपोर्ट कर किस तरीके से कहाँ से होगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आप डैमो इम्पोर्ट यहाँ पर टूल्स पर आएंगे, टूल्स पर आने के बाद यहाँ पे आपको लिखा हुआ होगा डैमो इम्पोर्ट, ठीक है। तो डैमो टी यहाँ पे डैमो इम्पोर्ट पे आप इस पर क्लिक करें, डाउनलोड डैमो इम्पोर्ट, यहाँ पे वो सारे डैमो आ जाएंगे आपके पास जो भी इसके थीम के अंदर अवेलेबल हैं, चाहे वो मल्टी वेंडर का हो या चाहे वो सिंगल वेंडर का हो। आप इसमें चाहे मल्टी वेंडर बनाना चाहे तो भी बन सकता है, सिंगल वेंडर बनाना चाहें तो भी बन सकता है। तो इसमें का अगर आपको मल्टी वेंडर बनाना हो तो इसके लिए आपका जो एक काम इस करने होंगे वो दुकान प्लगइन का भी सेटअप करना है। सबसे पहले हम मल्टी वेंडर के जो थीम हैं उसको हम इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल करने के बाद दुकान प्लगइन की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऑर्गेनिक और ये होम फ्रेश, तो मैं दुकान प्लगइन पहले इंस्टॉल कर ही लेता हूँ, उसके बाद मैं इसकी तरफ आता हूँ तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दुकान प्लगइन इंस्टॉल कर लूँ, दुकान प्लगइन इंस्टॉल करने के साथ साथ उसको जो है सेटअप भी करना पड़ेगा, तब जाके आप जो है चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे दुकान प्लगइन का इंस्टॉल कर लें, या फिर आप चाहें तो पहले एक आप थीम इंस्टॉल कर लें, जैसे आप चाहेंगे वैसा हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे आप ऐड न्यू पर क्लिक करें, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे दुकान प्लगइन इंस्टॉल करें। जी हाँ, तो ये दुकान प्लगइन है। अब ये एक बेस्ट ई-कॉमर्स मल्टी वेंडर प्लेटफॉर्म है, तो आप इसको यहाँ पे इनेबल करें, इंस्टॉल करें, इंस्टॉल करने के बाद इसमें इनेबल करें, ठीक है। उसके बाद यहाँ से इसको एक्टिव कर लें। अब दुकान प्लगइन भी सेटअप करने होंगे, तो दुकान प्लगइन जो सेटअप करेंगे उसके लिए आपको सिंपली ऑप्शन से आप इस पर क्लिक, लेट्स गो पे क्लिक कीजिए, यहाँ पर आपके स्टोर का नाम होगा, या फिर आप यहाँ पर कोई भी चीज़ रखना चाहो रख सकते हैं। सेम इसको एज इट इज़ ऐसे ही रहने दें, उसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। गूगल API की अगर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, वो खास ज़रूरत नहीं है। आपको जिस तरह का सेम उस तरह का रख लीजिए। अगर आप कमीशन परसेंटेज बेस पर लेना चाहते हैं परसेंटेज बेस पर, अगर आप फीस लेना चाह रहे हैं तो फीस लेने पे भी कर सकते हैं। ऑर्डर का विदड्रॉ करना कंप्लीट प्रोसेस है, जो भी चीज़ लगाना चाह रहे हैं उसको आप इसमें लगा सकते हैं। जैसे हैं सब कुछ सेम ऐसे ही रखिए, उसके बाद इसमें आप कंटिन्यू ट्रैक करना चाहें इसको भी आप ऐसे ही रखिए, सेम एज इट उस तरह से रखें। अगर आपको कोई चीज़ इसमें कस्टमाइज़ करनी हो तो आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये दुकान प्लगइन इंस्टॉल हो चुका है, और यहाँ पे हमारे दुकान का जो डैशबोर्ड इस तरीके से ओपन होगा, ठीक है। ये इस तरह का दुकान प्लगइन का डैशबोर्ड ओपन होगा, कितने दुकान नए अपडेट्स हुए नहीं हुए वो सब कुछ आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं कि टूल्स में, उसके बाद हम करते हैं डैमो इम्पोर्ट। तो अभी हमें ऑर्गेनिक का ही बनाना है, तो अब हम ऑर्गेनिक का करना चाहते हैं होम 18, ठीक है। तो यहाँ पे मैं होम 18 को मैं इसको इम्पोर्ट पर क्लिक कर देता हूँ, और क्लिक करने के बाद ये इंस्टॉलेशन होना शुरू हो चुका है। अब इंस्टॉल होने के बाद का सेम एज इट इज़ उस तरीके का आपको वेबसाइट दिख जाएगा जैसे कि मैंने आपको दिखाया है, ठीक है। उसके बाद क्या आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करें और उसको मैनेज करें, बिल्कुल ईजिली मैनेज करें, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो जी हाँ दोस्तों, इस तरह का जो खूबसूरत से वेबसाइट अगर आपको खुद से डिज़ाइन करना हो तो आप इजीली के स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आप खुद भी डिज़ाइन कर सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि आप हमसे डिज़ाइन करवाना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और कॉन्टेक्ट की डिटेल क्या आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहें व्हाट्सएप से कॉन्टेक्ट करें, या फिर डायरेक्ट कॉल से करें, या स्काइप से करें, सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हैं। डायरेक्ट मेल से भी करना चाहें मेल से भी कर सकते हैं, चाहे आप इंडिया से हों या इंडिया से बाहर का हों। आप अगर चाहते हैं कि इसमें अरबिक में भी बनाएं, या फिर किसी भी दूसरे लैंग्वेज में बनाना चाहते हैं, ये बनवाना चाहते हैं, बिल्कुल ईजीली आप बनवा सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, खुदा हाफिज़।